हेलो एवरीवन, आज जूलॉजी क्लास में हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि एक जाति का उद्भव किस प्रकार से हुआ है। इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं, व्हाट इज़ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जिसके अंदर लेस डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड या हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में डेवलप होते हैं, लेकिन इस पूरे चेंजेस के अंदर दे टेक टाइम, द चेंजेस आर अकर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर जो चेंजेस होते हैं उन्हें हम इवोल्यूशन कहते हैं। एंड इवोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज, इवोल्यूशन इज द चेंज इन द हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशन। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी पॉपुलेशन के अंदर हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज होना, यानी कि आनुवांशिक लक्षणों में परिवर्तन होना, इवोल्यूशन यानी कि उद्विकास कहलाता है। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स दैट आर पास ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पर्टिकुलर जीन के द्वारा एक्सप्रेस किए जाते हैं। ये लक्षण होते हैं जो कि जीन्स द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गमन करते हैं, जनन के द्वारा गमन करते हैं। पृथ्वी पर जीवों का विकास किस प्रकार से हुआ होगा, इसके लिए कई सारी संकल्पनाएं प्रतिपादित की गई। बहुत सारी थ्योरीज जिनके लिए विभिन्न साइंटिस्ट ने दी, उनमें से सर्वप्रथम जो पहली थ्योरी है उसे हम थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या ए बायोजेनेसिस थ्योरी भी कहते हैं। स्पॉन्टेनियस जनरेशन द हाइपोथेटिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। Also, the archaic theory that utilized this process to explain the origin of life. Spontaneous generation की जो थ्योरी है कि hypothetical theory है, 18वीं सदी के अंतर सर्वप्रथम प्रतिपादित की गई थी। इसके जो प्रपोजर थे वो थे एरिस्टोटल, और कैरोलस लीनियंस ने भी इसका अपने स्पीसीज के कैटेगराइजेशन में इसका जिक्र किया है। इसके अतिरिक्त वॉन हॉलमोंट, इन वैज्ञानिकों ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी दी थी, और उनके अनुसार जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो नॉन लिविंग मैटर से जनरेट होती है या उनसे अचानक उनकी उत्पत्ति हुई होगी। इसका एग्जांपल है जैसे कि फ्लाई फ्रॉम फ्लैश, फ्रॉक्स फ्रॉम मड ऑफ पॉन्ड। अगर हम एक मांस का अगर टुकड़ा रख दें और बहुत समय के अंदर देखें तो उसके अंदर मैगेट्स या एश फ्लाइज जनरेट हो जाती हैं, और इस थ्योरी को स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी कहा। बाद में लुई पाश्चर ने इसका खंडन किया, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रूव किया, अगर हम इस एश को फ्लैश को अगर हम बॉईल करें और बॉईल करने के बाद में उसे हम एक स्वैन नेक वाली बॉटल के अंदर रखें और या फिर कॉर्क लगा करके रखें, तो उनके अंदर मैगेट की या फ्लाइज की जो उत्पत्ति होती है वो बहुत लंबे समय तक टाली जा सकती है, और इसी प्रयोग को उन्होंने पाश्चराइजेशन नाम दिया। उसके बाद आती है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, यानी कि विशिष्ट सृष्टि सिद्धांत। विशिष्ट सृष्टि सिद्धांत के अंदर सर्वप्रथम फादर सुरेश ने इस थ्योरी को प्रतिपादित किया, और उन्होंने बताया कि गॉड हैज़ क्रिएटेड द यूनिवर्स इन 6 days। ब्रह्मा या फिर भगवान ने सृष्टि की उत्पत्ति की है, और लगभग पूरा जो यूनिवर्स, प्लैनेट और एनिमल, प्लांट्स, ये सब चीज़ उन्होंने 6 दिनों के अंतराल के अंदर बनाई थी। इसको हम एक सुपर नेचुरल पावर द्वारा क्रिएशन बता सकते हैं। तो दिस वॉज द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन और द सुपर नेचुरल पावर्स क्रिएशन। उसके बाद जो थ्योरी दी गई उसे हम बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त सिद्धांत है। सर्वप्रथम A.I. ओपेरिन ने 1924 में और जे हेलन ने 1929 के अंदर ओपेरिन थ्योरी या बायोकेमिकल ओरिजिन थ्योरी दी थी। इसे बाद में ओपेरिन एंड हेल्डन्स थ्योरी के नाम से जाना गया। ओपेरिन थ्योरी के अनुसार पृथ्वी के ऊपर उत्पत्ति के समय जो वातावरण था उसके अंदर कंडीशंस ऑन प्रीबायोटिक अर्थ वाज लाइक द अर्थ सरफेस टेम्परेचर वाज हॉटर देन टुडे एंड वाज
वॉल्केनिकली एक्टिव, जो पृथ्वी का तापमान था वो आज के तापमान से बहुत अधिक था। एटमोसफेयर वॉज रिड्यूसिंग यानी कि अपचयकारी वातावरण था। देर वॉज नो फ्री ऑक्सीजन। एटमोसफेयर कंटेंट मिथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैस एंड वाटर वेपर्स। ओशियन वर प्राइमोडियल सूप ऑफ अमोनिया, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड कार्बन। ओशन यानी कि समुद्र जो था उनको हम एक सूप की तरह मान सकते हैं, जिसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में अमोनिया, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और कार्बन उपस्थित थे। अर्थ वॉज एक्सपोज टू यूवी लाइट एंड रेडिएशन। अर्थ के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर लगातार यूवी किरणों और रेडिएशन से एक्सपोजर होता रहता था। एंड देर वॉज टोरेंशियल रेन फॉर मैनी ईयर्स, लगातार कई वर्षों तक बारिश होती रही। ओपेरिन ने अपने सिद्धांत के अंदर बताया कि लाइफ इट हैज़ ओरिजिनेटेड स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द ओशन ऑफ द प्रिमिटिव अर्थ। लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स पूर्व लाइफ का ओरिजिनेट अचानक से हुआ नॉन लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जो कि समुद्र के अंदर प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर उपस्थित थे। बाद में लेटरबर्ग ने इसको तीन स्टेजेस के अंदर डिफाइन किया, जिसे हम कीमोजेनी, बायोजेनी और कॉग्नोजेनी कहते हैं। बायोजेनी और द फॉर्मेशन ऑफ द प्रिमिटिव लाइफ। सर्वप्रथम जो स्टेप था उसे हम कीमोजेनी कहते हैं या केमिकल एवोल्यूशन। केमिकल एवोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स की उत्पत्ति हुई। देर वॉज सेवरल स्टेप्स वर इन्वॉल्व इन द केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन हुआ, देन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल कार्बन एंड ऑक्सी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, देन वेरियस काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स वर फॉर्म, देन फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल हैज टेकन प्लेस, then amino acid formation and then finally there was a formation of nitrogenous bases. nitrogenous base से उत्पन्न जो hot dilute soup था उसे Haldane soup या Haldane ने उसे hot dilute soup की संज्ञा दी, जो कि organic compound से rich water था उसे hot dilute soup की संज्ञा दी गई। सेकेंड स्टेप जो था उसे हम बायोजेनी या फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव लाइफ कहते हैं। इसके अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व थे दैट वर फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियो प्रोटीन। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियो प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, देन देर वॉज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोंट, कोलोइडल स्फेरिकल स्टेबल मोटाइल एग्रीगेट्स जो थे जिनके ऊपर लिपिड मेम्ब्रेन की अनुपस्थिति थी, उनको कोएसरवेट्स कहा ओपेरिन ने, और फॉक्स ने उन्हें माइक्रोस्फेयर कहा, और ये वो प्रोटोबायंट थे यानी कि हमारे आदि जीव थे या अग्रणी जीवाणु जिन्हें हम कह सकते हैं। देन आफ्टर दिस द नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी ऑर्गेनिज्म और यूबायोंट। उसके पश्चात यूबायोंट या प्राइमरी ऑर्गेनिज्म्स की उत्पत्ति हुई, जिन्हें ऐसे न्यूक्लियस जिनके अंदर ऐसे जीव जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस की उपस्थिति थी उन्हें प्रोटिस्टन कहा गया, और ऐसे जो कि लूजली या नॉट कॉम्पैक्टेड न्यूक्लियस जिनमें प्रेजेंट था उन्हें मोनेरियन नाम दिया गया। देन द लास्ट स्टेप वाज कॉग्नोजेनी, यानी कि इन प्रिमिटिव जीव या आदि जीवों के अंदर कई सारे परिवर्तन हुए। मैकेनिज्म ऑफ परसेप्शन, स्टिमुलेशन, एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन, ये सब कुछ इसमें डेवलप हुआ, एंड दे गेव राइज टू डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप। उनके अंदर विभिन्न प्रकार के रिलेशनशिप का उद्भव हुआ। ये रिलेशनशिप जो थे वो थे कीमो हेटरोट्रॉप्स, पैरासिटिज्म, सेप्रोफाइटिज्म, कीमो ऑटोट्रॉप्स, कीमो सिंथेसाइजर, एनारोबिक फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप्स। तो इस तरीके से सर्वप्रथम पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई, उनके अंदर विभिन्न प्रकार के रिलेशनशिप्स का उद्भव हुआ। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ।
which was called as Miller-Urey experiment. In 1920, scientists hypothesized that the chemicals in the early atmosphere fueled by sunlight would spontaneously create organic molecules. 1920 के अंदर साइंटिस्ट ने सोचा, एक हाइपोथेसिस दी कि जो अर्ली एटमॉस्फेयर के अंदर जो वातावरण था, एटमॉस्फेयर था, जो जिसके अंदर की सनलाइट एक फ्यूल की तरह वर्क कर रही थी, उनके अंदर अचानक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का स्पॉन्टेनियस जनरेशन हुआ होगा या अचानक से उत्पत्ति हुई होगी. एंड विच वॉज टेस्टेड बाय मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट इन 1950s. मिलर एंड यूरे रिक्रिएट द कंडीशन इन विट्रो. मिलर और यूरे ने उन प्रीबायोटिक कंडीशंस को इन विट्रो क्रिएट किया. द वाटर इज हीटेड एंड द मिक्सचर सर्कुलेट्स फॉर मेनी डेज. पानी को बहुत टाइम तक गर्म किया और उसका जो मिक्सचर था उसको बहुत दिनों तक सर्कुलेट किया. एंड आफ्टर अ वीक दे फाउंड 15 एमिनो एसिड इन द मिक्सचर. लगभग एक सप्ताह के अंदर उन्होंने 15 करीब एमिनो एसिड का मिक्सचर ऑब्जर्व किया. अदर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैड बीन फॉर्म्ड इंक्लूडिंग एथेनोइक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड यूरिया. एंड लेटर सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स वर डन यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड दैट प्रोड्यूस न्यूक्लियोटाइड्स. और इट वॉज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन बाय ओपरिन द फॉर्मेशन ऑफ कोसर्वेट्स एंड फॉक्स कॉल्ड देम माइक्रोस्फियर्स. एंड दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट इन विच मिलर एंड यूरे दे क्रिएटेड सिमिलर कंडीशन एज देवर प्रेजेंट इन द प्रिमिटिव एटमोसफेयर. उन्होंने बिल्कुल वैसी कंडीशंस क्रिएट करी जैसे कि प्रिमिटिव एटमोसफेयर के अंदर प्रेजेंट थी. और कुछ समय पश्चात उन्होंने देखा वहाँ पे प्रोटोबायंट्स की उपस्थिति या कुछ आदि जीवों के समान या न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर देखा. देन थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए निम्न संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया गया. फर्स्ट थ्योरी वॉज द लेमार्क थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन एंड इट वॉज कॉल्ड एज द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. इसे हम लेमार्किज्म या उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत भी कहते हैं. इट वॉज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द यूज एंड डिसयूज कॉजेज द स्ट्रक्चर टू एनलार्ज और श्रिंक. इस सिद्धांत के अंदर बताया गया लेमार्क ने अपने सिद्धांत में बताया कि किसी भी अंग का ज़्यादा या कम यूज़ करना उस लक्षण के बड़े होने या श्रिंक होने या ख़त्म होने या नष्ट होने से रिलेटेड होता है. नेचर इन प्रोड्यूसिंग द सक्सेशन ऑफ एवरी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड बिगिनिंग विद द लीस्ट परफेक्ट और द सिंपलेस्ट टू एंड विद हर वर्क विद द मोस्ट परफेक्ट हैज़ ग्रेजुअली कॉम्प्लिकेटेड देयर स्ट्रक्चर. नेचर के अनुसार सक्सेशन होता है जिसके अंदर हर एक एनिमल्स के अंदर कुछ जो परफेक्ट कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स में डेवलप किया जाता है, जबकि जो लीस्ट और सिंपलेस्ट कैरेक्टर्स होते हैं उनको उन्हीं के साथ में समाप्त कर दिया जाता है. द नेक्स्ट थ्योरी वॉज द डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन विच वॉज गिवन इन द बुक ऑफ ऑरिजन ऑफ स्पीसीज by means of natural selection in 1859. And this was given by this theory was given by Darwin and Wallace. इसके अंदर कई चीज़ों को बताया गया जैसे कि adaptations, variations. Adaptations basically they are the all organisms they try to adapt to their environment and these changes in their body are called as adaptation. उनकी जो body के अंदर जो changes होते हैं जो कि बाहरी वातावरण के लिए उनको अनुकूल बनाते हैं उन्हें adaptation कहते हैं. और इन adaptation को develop करने के लिए उनके शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के changes होते हैं and these type of changes they are called as variations. So all organisms are variable in their traits and these variations are inherited. Then animal did over reproduce. Over reproduction is the characteristics of all the organism. All organism tend to reproduce beyond their environment's capacity to support them. So that वो अपने आप का अस्तित्व वातावरण या एटमोसफेयर के अंदर बनाए रखें. डार्विन की जो थ्योरी थी वो नेचुरल सेलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के ऊपर आधारित थी. यानी कि नेचर जो है वो फिट एनिमल्स या जो कि अच्छे लक्षण होते हैं उनको सेलेक्ट करती है और दीज गुड कैरेक्टर्स दे आर कैरी फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट जनरेशन. या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो अच्छा जीव है वो
जीवित रहता है, जबकि जो लीस्ट कैरेक्टर वाला जीव है, जो हार्मफुल कैरेक्टर वाला जीव है, दे गेट पेरिश इन द एनवायरमेंट। डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सिंस नॉट ऑल ऑर्गेनिज्म्स आर इक्वल एंड इक्वली वेल अडेप्टेड टू देयर एनवायरमेंट, सम विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस बेटर देन द अदर्स। डार्विन की थ्योरी के बाद में कई और सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, जिसे न्यू डार्विनिज्म या मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं। इसके अंदर कई सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया था, जैसे कि जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, आइसोलेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ट्राइड टू डिसप्रूव द लेमार्किज्म मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस, बट ही लेटर एडमिटेड दैट हेरिटेबल इफेक्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज माइट बी इम्पॉर्टेंट इन इवोल्यूशन। कुछ डार्विन ने लेमार्किज्म का खंडन करने की कोशिश की, लेकिन उसने बाद में रियलाइज़ किया कि कुछ हेरिटेबल इफेक्ट जो हैं, जो कि यूज और डिसयूज से अंगों के आकार बढ़ाने की प्रवृत्ति को प्रेरित करते हैं, दे आर कैरी फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट जनरेशन, वो इनहेरिट होते हैं या अनुवांशिक होते हैं। ह्यूगो डिवरीज थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। ह्यूगो डिवरीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इवोल्यूशन इज अ जर्की प्रोसेस वेयर न्यू वेराइटीज एंड स्पीसीज आर फॉर्म बाय म्यूटेशन। इवोल्यूशन जो है वो एक इस प्रकार का प्रोसेस है, जिसके अंदर नई जातियाँ, नई वेराइटीज़ जो हैं वो म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न होती है। एंड दीज म्यूटेशन दे आर द फंक्शन एज रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन यानी कि उद्विकास के लिए एक कच्चे माल की तरह कार्य करती है। इसी के साथ हमारे टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।